नमस्कार बंधुस्क मोरतम भिडि स्वागत जानालो सकुक मैं आज प्रसंग लिशो आम एस आई जुनमणिर मृत्यु रहस्यमय मृत्यु विषय कटाम आलोचना और आम मुख्यमंत्री और प्रधान जी पी सिंह डांगरिया महोदय कटाम मोर प्रश्न आ ये प्रश्नटोर उत्तर आमार अखम बाखिये बहुत दिनर पुरा अपेक्षा करि आसे किन्तु आमार ए प्रश्नर उत्तर तेउलिके दिब परा नाय ने दिब बिसरा नाय ए तथ्यटु आमाक अखमक रायजक हुनकाले जनाय दियाटु बेसी भाल बुली मय भाबु। सो गाइस केटामान प्रश्न आसिले आमार অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু অসমৰ অধ্যক্ষ জি পি সিং ডাঙৰিয়া মহোদয়লৈ যে জুনমণি ৰাভাই ন্যায় কেতিয়া পাব, এক নম্বৰ প্ৰশ্ন জুনমণি ৰাভাই ন্যায় কেতিয়া পাব। নেক্সট দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন হ'ল এডিচনেল এছ পি रुना नेउक डांगरियानी बाइदोए गिरफ्तार केतिया हब, एडिशनल एसपी रुना नेउक डांगरियानी बाइदोए गिरफ्तार केतिया हब। आमार तीन नम्बर प्रश्न तो होइसे प्रतिबाद करि थका सकलो दल संगठन बा अखमर राइज न्याय पाने जुनमणि राभार मृत्यु क्षेत्र और जदि पा जदि न्याय पा के पा और कि समय लगे ये कथा बिलाक जानिबर बाबे आमार अखमर राइजे बहुत इच्छुक होई आसे। सो गाइस आपुना लोके दुदिन मान आगते देखिबले पाइसे आमार रोना एडिशनल एस पी रोना नेउक बाइदो डांगरियानिये निजर फेसबुक एटा मंतव्य दिसिले निजके निर्दोषी सजा बोली फेसबुक पेज तो बहुत चलिले बहुत राइजे चाले आरो की बुझिले की नुबुझिले आमार राइजे जानिबो की बुझी पाइछे की नाय पुआ आरो आमार जदि अध्यक्ष श्री जी पी सिंह डांगरिया देवे जदि एई फेसबुक पोस्ट जदि तेउ साइसे निश्चय बुझी पाइसे तेउ निज मुखे निजर फेसबुक पोस्ट लिखिसे जे 2020 सनर ऑडियो क्लिप एटा तेउ लोके बजाय बजाय ए समयत मुख हरासमेंट करिसे तेउ निज हाते लिखा ए फेसबुक पोस्ट खन तेउ उल्लेख करिसे जे ए पोस्ट टू 2020 सनर गतिके यार परा आपनालोके कि बुझि पाले मय जनामते आरो मैं भबा मते मोर होरु मगज ठेक मगज जीतु मैं ढुकी पाइछु तथ्यखिनी हेतु मैं डांगी धुबी धरिब बिचारिछु जिहेतु यात किमान सत्य आरो असत्य लुकाय आसे मैं इमान कब नोवारु जिहेतु मैं एटुए बुझी पालो जे 2020 सनत एई रेकर्डटु सत्य हय ये रेकर्ड तो सत्य है किंतु एतियार नहय 2020 सनर है। सो गाइस आपनालोके लक्ष्य करिब कथाटो केस्ट तो सत्य है तेउक धमक दिया तो सत्य किंतु एतियार नहय 2020 सनर हे ए धमक दिया कथाटो सत्य तेने होले अखमर राइजे आरो बुझी पाबोले या देखु बाकी नाय जे आमार एडिशनल एसपी डांगरिया डांगरियानिये
কিমান দিনৰ পৰা আমাৰ অসমক লুণ্ঠন চলাই আহিছিল আৰু এই নকল হুন আৰু নকল টকাৰ লগত জড়িত হৈ আছিল। তেওঁ 2020 চনতে তেওঁ ধমক দিছিল সেইজনী তিৰোতাক যিজনীয়ে অজগৰক ধৰাই দিছিল জুনমণিক হাতত গতাই দিয়া। তো সো গাইজ মইতো ইয়াকে কওঁ যে যিহেতু তেওঁ নিজ মুখে স্বীকাৰ কৰিছে এই কথাটো যে কথাটো যে অডিঅ' ক্লিপটো যে সত্য তেওঁ যে এইটো প্ৰমাণ কৰিলে সেই খাতিৰত আমাৰ এডিশ্যনেল এছ পি ৰুণা নেওগ ডাঙৰীয়ানীক অতি শীঘ্ৰে আমাৰ জি পি সিং ডাঙৰীয়াদেৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু তেওঁক তদন্তৰ আওতালৈ অতি সোনকালে আনিব লাগে। তেতিয়া সকলো কথা জল জল পটপটকৈ ওলাই আহি পৰিব। সো গাইজ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব নাপাহৰিব। যদি আপুনি এই চেনেলটো নতুন চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। জয় আই অসম।